नमस्ते, इंडियन कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी मिर्ची वड़ा। तो देखते हैं राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये मैंने, आप देख सकते हैं, ये मैंने हरी मिर्च ली है। ये थोड़ी सी मोटी है और ये बिल्कुल भी चरकी नहीं रहती है। इसी मिर्च से हमें मिर्ची वड़ा बनाना है। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है बॉइल आलू, ये मैंने 3 लिए हैं। हरा धनिया लिया है कटा हुआ, टेस्ट अनुसार मैंने शक्कर लिए हैं, आधा से 1 चम्मच आप ले सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ली है, नमक टेस्ट अनुसार लिया है, आमचूर पाउडर मैंने 2 चम्मच ली है। अगर आपके आमचूर पाउडर की जगह पे, राजस्थान में इसमें काजरी पाउडर यूज होती है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप आमचूर ले सकते हैं। अगर काजरी पाउडर आपके पास है तो आप काजरी पाउडर यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। इस पे तो 1 टुकड़ा अदरक का और 3 हरी मिर्च लिए हैं और उसका पेस्ट बना लिया है। सौंफ ली है मैंने आधा चम्मच, इसको थोड़ा सा मैंने पीस लिया है। और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, गरम मसाला आधा चम्मच लिया है और 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन घोल बनाने के लिए मैंने ये मोटा बेसन लिया है। अगर आपके पास मोटा बेसन ना हो तो आप बेसन में ही 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं, पर ध्यान देना है कि वो ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे 1 कप के अनुसार उसमें 1 चम्मच ही सूजी या चावल का आटा लेना है। यहाँ पे मैंने ये मोटा आटा लिया है और घोल बनाने के लिए पानी लिया है। सबसे पहले हम ये जो हरी मिर्च है इसको हम बीच में से ऐसे इस तरह से काट लेंगे, चीरा लगा लेंगे। सभी मिर्च को हम चीरा लगा लेंगे। इसके डंठल नहीं निकालने हैं, वैसे ही रहने देना है। और इसके अंदर जो बीज है वो हम निकाल लेंगे। ये बीज मैंने निकाल लिए हैं, इससे ये मिर्च बिल्कुल भी चरकी नहीं लगती है। इसी तरह से हम सब सारी मिर्च के बीज निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी मिर्च के बीज निकाल लिए हैं इस तरह से। अब हम इसको साइड में रख देंगे और घोल बनाएंगे। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी हल्दी लेना है, ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी है। और ये 1 कप बेसन लिया इसलिए इसमें आधा चम्मच में लाल मिर्च पाउडर लूँगी और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें मैंने ये तेल गरम करके ठंडा कर लिया है, इसमें ये ऐड करेंगे। इससे जो मिर्च वड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसको पानी से घोल बना लेंगे। पानी हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे इसमें, क्योंकि हमें जो मिर्च का घोल है वो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। और इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएगी तब तक इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हम कभी भी रेस्टोरेंट में या होटल में मिर्च बड़ा खाते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा दिखता है। वो इसी कारण कि उनका बेसन जो रहता है वो थोड़ा सा मोटा रहता है। अगर आपके पास बेसन बारीक है तो आप उसमें, जैसे मैंने पहले ही बताया, उसमें 1 चम्मच सूजी या 1 चम्मच चावल का छोटा चम्मच यानी ले सकते हैं। चावल का जो आटा रहता है वो ले सकते हैं। इस तरह से घोल बनाना है। ये ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऐसे ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, इसे इस तरह से बनाना है। अगर ज़्यादा पतला घोल हो गया है तो वो मिर्च के ऊपर बराबर सेट नहीं होता।
ये हमारा घोल अभी रेडी है, हम इसको रख देंगे साइड। अब हम एक बाउल में आलू किस लेंगे इस तरह से। ये स्टफिंग के लिए, स्टफिंग की तैयारी कर ली हूँ मैंने पहले, इसलिए घोल बना के रख दिया कि जब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं तब तक घोल हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने इनको किस लूँगी सब आलूओं को। मैश भी कर सकते हैं, पर मैश करेंगे तो उसमें थोड़ा मोटा ऐसे रह जाता है, इसलिए मैंने इसको किस लिया है। आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं। अब मैं सारे आलू इसी तरह से बारीक किस लूंगी। अब मेरे सारे आलू किस के रेडी है। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम इसमें लेंगे ये आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ये जैसे मैंने 3 आलू लिए हैं तो इसके हिसाब से मैंने 2 चम्मच आमचूर पाउडर ली है। इससे कम नहीं लेना है और ज़्यादा भी नहीं लेना है। ज़्यादा लोगे तो खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा और कम लोगे तो जो ओरिजिनल टेस्ट रहता है मिर्ची वड़े में वो नहीं आएगा। शक्कर बहुत ही थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि हमें मिर्च वड़े जो है वो मीठे नहीं बनाने हैं। टेस्ट अनुसार मैंने इसमें नमक लिया है। नमक हम थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि घोल में भी नमक है। हल्दी पाउडर लेंगे हम। ये मसाले मैं इसमें ही इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये आधा चम्मच हम गरम मसाला लेंगे। पेस्ट मैंने अदरक और मिर्च की बनाई इसलिए हम लाल मिर्च कम यूज़ करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख देंगे। मैंने ये मसाले स्टफिंग में ऊपर से इसलिए डाले हैं कि कौन सी भी राजस्थानी सब्जी हो या कौन सी भी रेसिपी हो उसमें मसालों को ज़्यादा भूनते नहीं हैं, इसलिए मैंने ये मसाले ऊपर से डाले हैं। अब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें ये अदरक और लाल मिर्च की पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे हम। अब जो मैंने आधा चम्मच सोप पाउडर ली है वो इसमें ऐड करेंगे। और इसका जो तड़का है हम ये स्टफिंग के ऊपर डाल देंगे। अब हमारा ये मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम ये स्टफिंग के ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। तेल बहुत ही कम लेना है, अगर तेल ज़्यादा हो गया तो स्टफिंग में तेल ज़्यादा हो जाएगा और वो चिपचिपा हो जाएगा। अब हमने जो ये काट के रखा था हरा धनिया वो उसके ऊपर से डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसको एक एक करके ये स्टफिंग को मिर्च में इस तरह से भर देंगे। अब इस तरह से मैं ये स्टफिंग सारी मिर्च में भर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मिर्च में मसाला स्टफिंग कर दी है और अभी हम ये घोल में एक एक मिर्च डिप करेंगे। मैंने पहले से ही तेल गरम करके रखा है,
तेल को सबसे पहले मिर्ची बड़े तलने के लिए तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, फिर उसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और एक एक करके मिर्च को तल लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। ये थोड़ा सा घोल हम इसमें तेल में डाल के देखते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। एक एक करके हम अभी सब मिर्च को तल लेंगे। इसको बार बार पलटाना नहीं है, एक बार एक साइड से हो जाए फिर उसको एक साइड से हल्के से ब्राउन हो जाए फिर हम इसको पलटाएंगे। एक साइड से अच्छे से हो गए हमारे। ये हमारे मिर्ची वड़े अभी बन के रेडी है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए तले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको तलने में। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने प्लेट लिए हैं, इसमें प्याज और टोमेटो सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे इस तरह से। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ये बन गए हमारे राजस्थानी मिर्ची वड़े। धन्यवाद।